नमस्कार मित्रों, आज हम एक नई पोयम का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पोयम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका लाइफ स्पेल है 1874 से लेकर 1963। ये पोयम कक्षा 12 के सिलेबस में दे रखी है। यह पोयम एक ऐसे बेस पर आधारित है, यानी जो राइटर है वो इस यात्रा पर जाता है और वो एक सुंदर घने जंगल से गुजर रहा होता है। वो जंगल की खूबसूरती को देखकर उसका मन वहाँ ठहरने के लिए कर जाता है और वो जो शाम है, जिस शाम में वो वहाँ रुकना चाहता है, वो एक बर्फबारी से भरी हुई शाम है, यानी बर्फबारी हो रही है और बहुत ही सुंदर ये वन है। वुड्स के माने वन होता है, घना जंगल। तो इसके पोयम का लाइन बाई लाइन अध्ययन करेंगे। होज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द ब्लेज थो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर to watch his woods fill up with snow. बैठे क्या समझाना चाहता है, होज वुड्स जिसका ये घना जंगल है, वुड्स के माने घना जंगल होता है, होज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, यहाँ तक मेरा विचार है, मैं जानता हूँ कि जिसका जंगल है, हिज हाउस उसका घर, हिज हाउस इज, हिज हाउस उसका घर, इज मीन्स है, इन द ब्लेज थो, उसका घर जो है पास के यद्यपि गांव में है, जिसका ये घना जंगल है, मैं जानता हूँ कि उसका घर एक दूर के गांव में है, ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा, स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते हुए, यहाँ ठहरते हुए, यद्यपि मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, टू वॉच देखकर, हिज वुड्स उसके घने जंगल को, उसके घने जंगल को देखकर, फील जो भरा हुआ है अब विद स्नो, बर्फ से, उसका जंगल वो जो है बर्फ से भरा हुआ है, यानी बर्फबारी हो रही है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, माई लिटिल हॉर्स मेरा छोटा घोड़ा मस्ट थिंक अवश्य ही इट क्वेयर विचित्र समझेगा, यानी वो ये समझेगा कि यहाँ मेरा मालिक क्यों ठहर रहा है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, टू स्टॉप रुकना विदाउट बगैर किसी फार्म, एक फार्म के, यानी जो जंगलों में जो घर होते बने हुए उसे फार्म कहा जाता है। तो स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, यानी यहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है इसके समय, फिर भी मेरा मालिक यहाँ ठहर रहा है, तो थोड़ा सा मेरा घोड़ा थोड़ा विचित्र समझेगा, अलग सा समझेगा कि मैं यहाँ क्यों ठहरने जा रहा हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, विटमिन होता है बीचों बीच, द वुड्स जंगल के, जंगल के बीचों बीच, एंड और फ्रोजन लैक, और जो जमी हुई झील है उसके समीप, यानी झील में जो पानी है वो ठंड से यानी सर्दी से वो जो है जम गया है, पानी जम गया है, और उसके बीचों बीच मैं यहाँ क्यों ठहर रहा हूँ इस घने जंगल में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट, यहाँ पर सबसे अंधेरी, डार्केस्ट इवनिंग, सबसे अंधेरी शाम ऑफ द ईयर, वर्ष की, यानी वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है
और इस घने जंगल में जो झील है वो जम चुकी है, और यहाँ पर कोई पास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। तो मैं यहाँ ठहर रहा हूँ, इसे देखकर मेरा जो घोड़ा है वो थोड़ा विचित्र समझेगा। देखिए अगले स्टेंजा में देखेंगे। He gives his harness well, say, sick.